मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दो से मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खुल गए 22 मरीज छठ गए, और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के, 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हाथ पर फूल गए हमने भैया, फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, समझो बात, कुछ लोग कर समझदार भी थे, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, इन्हें कोई नहीं जा रहा, सोचना मत लगाओ, छोड़ो अब वो छाटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है, एक ट्रायल मार दो, फिर एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है, फिर मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दो से मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छठ गए 22 मरीज, तुरंत खुल गए 22 मरीज छठ गए, और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के, 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल, 22 छठ गए। चलो हॉस्पिटल रूम में जाकर के ऑक्सीजन को बंद नहीं किया गया है, कट ऑफ नहीं किया गया है कि अब छटपटाने दो मरीजों को, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन को इंडिविजुअलाइज किया गया है, बेड साइड ऑक्सीजन को जुडिसाइज किया, जिससे हम वो मरीज छांट पाए जिनको हमें ज्यादा डिपेंडेंट ऑक्सीजन पर हैं, और 22 लोग छट गए का मतलब 22 लोगों को क्रिटिकल घोषित किया गया कि ये वो 22 पेशेंट हैं जो हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, इनकी हम फ्लो को लगातार मेंटेन रखेंगे। जब ये कैटेगराइजेशन हो गया तब हमने उन 22 लोगों को सिलेंडर मुहैया कराना, अतिरिक्त बैकअप देना, कुछ लोगों को कंसंट्रेटर के लिए कहना, कुछ अपने कंसंट्रेटर देना, ये सारी प्रक्रियाएं की, उन 22 मरीजों में कई मरीजों को बचा लिया गया हमने।